तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। भाई आज की वीडियो फिर से डायरेक्टर एटली की फिल्म के ऊपर। पहले हम बिगिल से मिलता हुआ कुछ सीन देखेंगे और फिर थेरी के बारे में जानेंगे। बिगिल एक स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है, इसमें स्पोर्ट्स तो देखने को मिलता ही है, साथ में मसालेदार एक्शन भी देखने को मिलता है। बिगिल का एक्शन का तो पता नहीं, लेकिन स्पोर्ट का स्टोरी काफी हद तक चक दे इंडिया की स्टोरी से मिलता जुलता है। चक दे इंडिया में जैसे हॉकी कोच के टीम के साथ लड़कियां हमेशा टेढ़ी बात करते हैं और बाद में कोच के सारी बात मानने लगते हैं, वैसे ही बिगिल में भी फुटबॉल टीम की कोच के बात कोई भी लड़की नहीं मानते और फिर बाद में सारी लड़कियां कोच के बाद मानने लगते हैं। चक दे इंडिया और बिगिल की स्पोर्ट्स की स्टोरी काफी सिमिलर है। अब बात करते हैं बिगिल मूवी की कुछ सीन की जो कि हमें पहले से देखा हुआ लगता है। सबसे पहले तो कोच की लड़कियों से चैलेंज करने वाला सीन। भाई यकीन नहीं करोगे, ऐसा ही सीन हमें एक यूट्यूब प्रैंक वीडियो में देखने को मिला है और वो वीडियो 5 साल पहले पब्लिश की गई है और बिगिल अभी 2019 में आया है। आप चाहे तो ये यूट्यूब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बाद में देख सकते हो। बाद कोच आकर लड़कियों के ऊपर भड़कने वाला सीन, ऐसा ही सीन हमें 2004 की मिराकल मूवी में देखने को मिला है, जहां कोच आकर लड़कों के ऊपर गुस्सा करता है और एक को तो भड़काने के लिए पैर में चोट की नौटंकी की बात करता है। और ऐसा ही बिगिल में भी कोच एक लड़की को मोटी बोलकर भड़काता है। अब ये बिगिल का फ्रिज वाला सीन, ऐसा लगता है ऐसा ही सीन हम पहले बर्थ ऑफ लेजेंड मूवी में देख चुके हैं। अब ये इंस्पायर्ड है या कोइंसिडेंस, आप ही तय कर लो। वैसे भाई देखोगे तो ये सीन भी थोड़ा बहुत मैच करता है द मिरेकल सीजन का ये सीन से, जहां गोल ना मारने पर कोच लड़कियों की बैंड बजा देता है। भाई चलो बात कर लेते हैं थेरी मूवी की। तलपति विजय की थेरी मूवी तो आप लोगों ने देखा होगा। भाई थेरी देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे इसका मेन प्लॉट 2013 में आने वाली होमफ्रंट मूवी से ली गई है। मतलब भाई दोनों मूवी की स्टोरी एकदम सेम है। अगर आप होमफ्रंट देख लिए हो तो आपको भी पता चल गया होगा। होमफ्रंट में देखने को मिलता है जैसन एक अंडरकवर एजेंट था और एक मिशन में जब वो एक गैंग को पकड़वा देता है तो वो रिजाइन करके अपने बेटी के साथ शांति से रहने के लिए कहीं दूर चला जाता है, वहाँ जहाँ उसकी बीबी पूरी परिवार के साथ एक दिन रहना चाहती थी। लेकिन एक आदमी ये बाप बेटी को मारने के लिए गुंडा भेजकर इन लोगों का जीना हराम करने की कोशिश करता है। ये वो गुंडा है जिसे जैसन ने पकड़वाया था और जैसन की वजह से इस गुंडा का बेटे को मरना पड़ा था। और भाई थेरी में भी यही देखने को मिला है, लेकिन अंडरकवर एजेंट के जगह विजय यहाँ एक पुलिस वाला है और उसका माँ और वाइफ को मार देने की वजह से बाप बेटी शांति की जिंदगी जीने कहीं दूर चले जाते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ एक दिन रहने के लिए उसकी वाइफ सपना देखती थी। लेकिन मरा हुआ हरामी का विलन बाप भी यहाँ होमफ्रंट की तरह इन लोगों का जीना हराम करने आ जाता है। अभी आप लोग बोलोगे थेरी में तो और भी बहुत कुछ देखने को मिला था, तो भाई वो सब 1990 में आने वाले चत्रियन मूवी से ली गई है, ऐसा तमिल वालों का कहना है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन भाई होमफ्रंट से तो इतना स्टोरी मैच करता ही है। तो भाई आप लोगों को क्या लगा इन दोनों मूवी के बारे में कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।